नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आए बहुत ही अच्छी मोरल स्टोरी जो शॉर्ट एंड स्वीट है। बहुत जल्दी ट्रांसलेशन करने वाले हैं, हर एक वर्ड की मीनिंग बताने की कोशिश करूंगा और शॉर्ट स्टोरी है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आप लोग को अच्छे से समझ भी आएगा। तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि इतना आप लोग को अच्छे से दिखे, इतना काफ़ी होगा। और लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। इसका टाइटल है आज की स्टोरी का, द स्पाइडर्स एडवाइस। स्पाइडर्स यानी होता है, आप सभी को पता है मकड़ी को स्पाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो मकड़ी की एडवाइस यानी होता है सलाह, यानी मकड़ी की सलाह, क्या सलाह देता है मकड़ी, क्यों देता है, भी आपको पता चलने वाला है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एमिलिया, ठीक है, नाम अमेलिया नाम लिखा हुआ है, उसका नाम है, वॉज अ स्वीट लिटिल गर्ल। अमेलिया थी एक स्वीट लिटिल गर्ल, यानी प्यारी छोटी सी लड़की, ठीक है, छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, कौन, अमेलिया। वन डे, एक दिन, वाइल क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वाइल यानी होता है दौरान, वाइल यानी दौरान, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग यानी चढ़ने के दौरान, द स्टेयर्स, स्टेयर्स यानी होता है सीढ़ियां, यानी एक दिन सीढ़ियां चढ़ने के दौरान, हर फेवरेट फ्रॉक गॉट टॉर्न बाय अ शार्प नेल। हर फेवरेट फ्रॉक, हर यानी उसका या उसकी, फेवरेट फ्रॉक, फेवरेट यानी क्या होता है, पसंदीदा, जो सबसे ज्यादा उसे पसंद हो, फ्रॉक तो आप सभी को पता है, गॉट टॉर्न, गॉट यानी हो गया, टॉर्न यानी होता है फटना, तो गॉट टॉर्न यानी क्या हो जाएगा, फट गया, ठीक है। एक दिन उसका जो फेवरेट फ्रॉक था वो क्या हो गया, सीढ़ी में चढ़ने के दौरान फट गया, टॉर्न यानी होता है फटना। बाय अ शार्प नेल, बाय यानी से या फिर द्वारा, अ शार्प नेल, अ शार्प यानी होता है एक नुकीली, नेल यानी कील, कील आप सभी को पता है, तो एक नुकीली कील से क्या हो गया, उसकी फ्रॉक फट गई। अमेलिया कुड नॉट बेयर दिस, अमेलिया कुड नॉट, कुड यानी सकना, नॉट यानी नहीं सकी, अमेलिया नहीं सकी, क्या नहीं सकी, बेयर दिस, इसे बेयर पढ़ते, बियर नहीं पढ़ेंगे भाई, बेयर यानी भालू भी होता है, और बेयर यानी सहन करना, वहन करना, यानी कोई चीज को सहना, उसे भी बेयर बोलते हैं, ठीक है। बेयर दिस यानी इसे सहन नहीं कर सकी, कौन, अमेलिया इसे सहन नहीं कर सकी कि भाई उसका उतना अच्छा फ्रॉक है फट गया। शी स्टार्टेड क्राइंग, वह या फिर उसने, स्टार्टेड यानी शुरू किया, क्राइंग यानी रोना, उसने रोना शुरू किया। हियरिंग हर क्राई, हियरिंग, हियरिंग यानी होता है सुनकर, हर यानी उसकी, क्राई यानी रोना, उसका रोना सुनकर, अ स्पाइडर, एक मकड़ी, हु वॉज बिजी वीविंग हिज वेब, हु वॉज, जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, जो था, बिजी यानी होता है व्यस्त होना, ठीक है, किसी काम में बिजी होना, व्यस्त होना, जो व्यस्त था वीविंग, वीविंग यानी होता है बुनने, ठीक है, बुनना, वीव यानी कोई चीज को बुनने को वीविंग बोलते हैं, क्या बुनना, हिज वेब, उसका जाल, यानी अपने जाल बुनने में वो क्या था, बिजी था भाई, मकड़ी हमेशा, आप सभी को पता है मकड़ी क्या करते रहते हैं, जाल बुनते रहते हैं हमेशा, तो अपना जाल बुनने में बिजी था, व्यस्त था। फिर क्या हुआ देखिए, केम आउट, केम आउट यानी बाहर आया, केम आउट यानी बाहर आना। ही आस्ड, उसने पूछा, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, उसने पूछा, व्हाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सैड, व्हाट मेक्स, क्या बनाता है या क्या कारण है, पूरा वर्ड हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा। देखिए, व्हाट यानी क्या होता है, मेक्स यानी होता है बनाना, लेकिन इसका पूरा मतलब देखते हैं, व्हाट मेक्स दिस ब्यूटीफुल गर्ल सेट, यानी इस सुंदर लड़की को उदास क्या बनाता है, कौन सी चीज बनाती है, यानी इस लड़की को क्या चीज उदास कर रहा है, इसका पूछने का मतलब यह है कि इस प्यारी सी सुंदर लड़की को क्या चीज उदास कर रहा है। अमेलिया रिप्लाइड, अमेलिया ने जवाब दिया, रिप्लाइड यानी किसी को जवाब देना। सोबिंग, सोबिंग यानी होता है रोते धोते, रोते हुए, सिसकिया लेते हुए, उसे सोबिंग बोलते हैं, ठीक है, तो रोते रोते उसने जवाब दिया, माई फेवरेट फ्रॉक इज टॉर्न, मेरा पसंदीदा फ्रॉक इज टॉर्न यानी फट गया है, क्या हो गया है, फट गया है, सो इसलिए आई एम क्राइंग, मैं रो रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इज एम आर, वर्ब में आईएनजी जोड़ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा हूं, रही हूं, सो आई एम क्राइंग, इसलिए मैं रो रही हूं। द स्पाइडर स्माइल्ड एंड सैड, मकड़ी मुस्कुराया, स्माइल, स्माइल यानी मुस्कुराना, और पास्ट टेंस से ईडी लगा, स्माइल्ड यानी मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, क्या कहा, देखिए,
लुक एट मी यानी मुझे देखो, लुक एट मी यानी मुझे देखो, आई वर्क सो हार्ड, मैं वर्क यानी काम करता हूं, मेहनत करता हूं, सो हार्ड यानी बहुत कठिन, मैं बहुत कठिन काम करता हूं, इट टेक्स आवर्स एंड आवर्स टू क्रिएट माई होम, इट टेक्स ये लेता है, ये लेता है, क्या लेता है, आवर्स एंड आवर्स, इसे हावर नहीं पढ़ेंगे आवर्स पढ़ेंगे, ठीक है, आवर्स एंड आवर्स यानी घंटों घंटों, ये घंटों घंटों लेता है टू क्रिएट माई होम, टू क्रिएट यानी बनाने में, क्रिएट यानी कोई चीज निर्माण करना बनाना, ठीक है, माई होम यानी मेरे घर बनाने में घंटों घंटों समय मुझे लगता है, एंड ओनली अ सेकेंड, एंड और केवल एक सेकेंड में, अ सेकेंड यानी एक सेकेंड में या कुछ ही सेकेंड में, फॉर इट इसके लिए, टू बी डिस्ट्रॉयड, टू बी डिस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो जाता है, ठीक है, यानी कि भाई घंटों घंटों मैं क्या करता हूँ, जाल बुनता हूँ, लेकिन एक ही सेकंड में ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। भाई हम ही लोग क्या करते हैं, ज़्यादा सोचते थोड़ी है, मकड़ी का जाला दिखा, झाड़ू पकड़े, मार दिए, हमको तो लगा हो गया मकड़ी का जाला साफ, बहुत ही कम टाइम लगता है मकड़ी का जाला साफ करने में, लेकिन सोचिए उसे एक एक को बुनने में कितना ज़्यादा समय लगता है। वही बता रहा है कि मैं तो घंटों घंटों मेहनत करके बनाता हूँ और एक सेकंड में ये नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय यानी कोई चीज़ नष्ट होना। फिर क्या देखिए, आई हैड मेड माई होम ओनली यस्टरडे, आई हैड मेड मतलब क्या होता है कि मैंने बनाया था, आई हैड मेड मैंने बनाया था माई होम मेरे घर को ओनली यस्टरडे सिर्फ कल, है ना, ओनली यस्टरडे यानी सिर्फ मैंने कल ही अपने घर को बनाया था, या फिर बस मैंने कल ही अपने घर को बनाया था, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, ठीक है, क्लियर हो गया, तो मैंने कल ही अपना घर बनाया था, बट लेकिन इट वॉज वॉश्ड अवे, इट वॉज ये हो गया, क्या हो गया था, वॉश्ड अवे, वॉश्ड अवे यानी होता है धुल जाना, धुल जाना, नष्ट हो जाना, उसके लिए वॉश्ड अवे का यूज करते हैं, मैंने कल ही बनाया था लेकिन ये नष्ट हो गया था। आई वॉज ऑल्सो वेरी सैड, आई वॉज मैं था, ऑल्सो यानी भी, मैं भी था, वेरी सैड यानी बहुत दुखी, मैं भी बहुत दुखी था, ठीक है, इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। देन तब आई थॉट मैंने सोचा, थिंक यानी सोचना, थिंक का पास्ट एंड शॉर्ट, तब मैंने सोचा दैट कि, तब मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ बींग सैड, इंस्टेड, इंस्टेड यानी होता है बजाय, ठीक है, बजाय ऑफ बींग सैड, बींग यानी होना, सैड यानी दुखी, यानी दुखी होने के, ऑफ यानी के, दुखी होने के बजाय, ठीक है, मैंने सोचा कि दुखी होने के बजाय आई शुड स्टार्ट वीविंग माई होम अगेन, आई शुड मुझे चाहिए, आई यानी मैं भी होता है, मुझे भी होता है, मुझे चाहिए स्टार्ट यानी शुरू करना, मुझे शुरू करना चाहिए वीविंग माई होम, वीविंग यानी बुनना माई होम यानी मेरे घर को, अगेन यानी फिर से, मेरे घर को फिर से बुनना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया, हर वर्ड का मतलब यहाँ पर क्लियर हो गया कि मुझे अपने घर को फिर से बुनना शुरू करना चाहिए इसके बजाय कि दुखी हों, ठीक है। सो डोंट क्राई, तो या फिर इसलिए, डोंट क्राई, डोंट यानी मत करो, क्राई यानी रोना, यानी रो मत, इसलिए रो मत। मेंड योर फ्रॉक, मेंड, मेंड यानी क्या होता है, किसी चीज़ को सुधार करना या फिर रफू करना, रफू आप सभी को पता नहीं, जहाँ पे फट जाता है कपड़ा तो वहाँ पे रफू करते हैं ऐसे धागा वगैरह डाल के, तो मेंड यानी रफू करना या फिर सुधार करना। मेंड योर फ्रॉक, अपने फ्रॉक को या तुम्हारे फ्रॉक को रफू करो या फिर सुधार करो। इंस्टेड एंड बी हैप्पी, इंस्टेड यानी के बजाय, एंड बी हैप्पी और खुश रहो, बी यानी होना, रहना, हैप्पी और खुश रहो, यानी कि रोने के बजाय तुम अपने फ्रॉक को क्या करो, सुधार करो, रफू करो और खुश रहो। इनकरेज बाय हिस वर्ड, इनकरेज, इनकरेज यानी होता है प्रोत्साहित करना, किसी को क्या करना, प्रोत्साहन देना कि हाँ ये काम करने से ऐसे होगा, अच्छा होगा, तो आदमी मन ही मन मतलब खुश हो जाता है, प्रोत्साहित होता है, उसे इनकरेज बोलते हैं। बाय हिस वर्ड, बाय यानी द्वारा, हिस यानी उसके, वर्ड्स यानी होता है शब्दों, यानी उसके शब्दों के द्वारा वो क्या हो गई, इनकरेज हो गई, प्रोत्साहित हो गई। अमेलिया स्टॉप क्राइंग, अमेलिया ने स्टॉप्ड यानी बंद कर दिया, क्राइंग यानी रोना, अमेलिया ने रोना बंद कर दिया। शी इमिडिएटली, उसने, वह भी होता है उसने भी होता है, इमिडिएटली, इमिडिएटली यानी तुरंत, उसने तुरंत मेंडेड हर टोन फ्रॉक, मेंडेड यानी रफू किया, हर यानी उसका, उसकी, टोन फ्रॉक यानी फटे हुए फ्रॉक को उसने रफू कर लिया, तुरंत रफू कर लिया। शी थैंक्ड स्पाइडर फॉर हिज एडवाइस, शी थैंक्ड, उसने धन्यवाद दिया द स्पाइडर यानी कि मकड़ी को, फॉर यानी के लिए, हिस यानी उसके, एडवाइस यानी सलाह, यानी उसने मकड़ी को उसके सलाह के लिए धन्यवाद दिया,
ठीक है, शुक्रिया जिसे कहते हैं उर्दू में। तो इससे मोरल क्या मिलती है, हमें नैतिक शिक्षा क्या मिलती है, डू नॉट वेस्ट टाइम, डू नॉट यानी मत करो, वेस्ट टाइम, वेस्ट यानी होता बर्बाद करना, टाइम यानी समय, समय बर्बाद मत करो इन थिंकिंग, इन थिंकिंग यानी सोचने में, सोचने में समय बर्बाद मत करो, ऑफ व्हाट इज लॉस्ट, लॉस्ट सॉरी, ऑफ यानी ऑफ व्हाट, क्या इस लॉस यानी खोया है, यानी क्या चीज आपने खो दिया है उसे सोचने में आप समय बर्बाद मत करो, क्योंकि भाई जो चीज आपने खो दिया है आप उसे फिर से तो पा नहीं सकते हो, लेकिन हाँ दुख होता है, बहुत दुख होता है कुछ ऐसे चीजें खोने, या परिवार वाले हो गए, फ्रेंड्स हो गए, या कुछ सामान हो गए जो आपसे बहुत ज्यादा प्यारी है, उसमें दुख तो होगा ही, लेकिन केवल जिंदगी भर दुखी ही मत रहो कि मैंने उसे खो दिया, ठीक है, समय बर्बाद मत करो, जब तक दुखी हो कोई बात नहीं, कुछ दिन दुखी होते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना चाहिए, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भाई बार बार वही चीज़ सोचने से आपने जो चीज़ खोया है वो वापस तो नहीं आने वाला, ठीक है, हाँ सोचने से अच्छा जरूर आपको लगेगा, लेकिन बार बार याद आएगी, बार बार आपको प्रॉब्लम होगी, बार बार आपको दुख होगा, इससे अच्छा आपको क्या करना चाहिए, बार बार उस चीज़ के बारे में जो चीज़ आपने खोया है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी, आज की मोरल, यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई स्टोरी प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी शॉर्ट एंड स्वीट, नए नए ट्रांसलेशन, बहुत ही अच्छी स्टोरी आप लोग के लिए हमेशा लाते रहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।